जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान दिवस पर आसान शब्दों में भाषण। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़ कर रखे ऐसा भारत का संविधान है। हर किसी को संविधान का सम्मान करना चाहिए, सच की जीत हो अन्याय का दमन होना चाहिए। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष संविधान के प्रति दो शब्द रखने जा रहा हूँ। भारत में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को स्वीकार करने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया तथा 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान एक मौलिक कानून है जो किसी भी देश का संचालन करने, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा कार्य निर्धारण करने एवं नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए नियम दर्शाता है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा। भारत के संविधान का जनक डॉ. भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। उन्हें 29 अगस्त को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वह भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे और उन्हें मजबूत और एकजुट भारत के लिए जाना जाता है। देश की आत्मा संविधान है और संविधान के माध्यम से ही देश का संचालन हो रहा है, इसीलिए संविधान का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। संविधान दिवस को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरी भागीदारी के साथ मनाया जाना चाहिए। इसका पालन केवल सरकारी कार्यालयों और स्कूलों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आम नागरिकों द्वारा भी इसे सभी क्षेत्रों में मनाया जाना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।